idea to come. यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ है। पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने देश का रक्षा मंत्री बदल दिया है। सर्गेई शोइगु की जगह पुतिन ने एंड्रे बेलासोव को नया रक्षा मंत्री बनाया है। बताया जा रहा है कि पूर्व डिप्टी पीएम और अर्थशास्त्र के स्पेशलिस्ट एंड्रे बेलासोव बीते 2 सालों से यूक्रेन से जंग लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रूस की ओर से रक्षा मंत्री के बदले जाने के फैसले के बाद अब विश्व जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने युद्ध की कमान संभालने वाले रक्षा मंत्री को ही उनके पद से हटा दिया। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि पूर्व रक्षा मंत्री ने ही यूक्रेन में युद्ध को लीड किया है। वो देश को सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मंत्री रहे हैं, साथ ही व्लादिमीर पुतिन के करीबियों में से एक गिने जाते हैं। 68 साल के सर्गेई शोइगु ने साल 2012 से रक्षा मंत्री का पद संभाला था। उनका दशकों लंबा राजनीतिक करियर बेजोड़ रहा है। बताया जाता है कि यूक्रेन के खिलाफ सर्गेई शोइगु के तरीके की रूस में कईयों ने आलोचना भी की थी। हाल ही में उनके एक साथी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। माना जाता है कि इसका असर उन पर भी काफी पड़ा था। बताया जाता है कि रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप चीफ से विवाद के बाद से ही सर्गेई शोइगु पर दबाव आ गया था। इस पूरे घटनाक्रम पर अब क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी बयान जारी कर कहा है कि रूसी रक्षा मंत्रालय इनोवेशन और अत्याधुनिक विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। Побеждает тот, кто открыт, больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому, естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек. Русские эксперты говорят, что Рус не ожидал, что русский танк Киев में एक बड़ा युद्ध कर उसे अपने घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए पुतिन ने सर्गेई शोइगु से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारियां छीन ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब उन्हें देश की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया जाएगा। रूसी कानून के मुताबिक क्रेमलिन में पुतिन के फिर से शासन संभालने के बाद मंगलवार को पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। बताते चले कि 65 साल के एंड्रे बेलासोव आर्थिक मामलों पर व्लादिमीर पुतिन के सहायक रहे हैं। वो 2006 में डिप्टी मिनिस्टर रहे। 2008 से 2012 तक उन्होंने अर्थशास्त्र और वित्त विभाग के निदेशक के तौर पर काम किया। उस साल पुतिन प्रधानमंत्री बने थे। खास बात है कि ये फेरबदल तब हुआ है जब पूर्वी यूक्रेन के खार्किव इलाके में रूस ने फिर कब्जा जमाया है। रूस ने तोपखाने और मोर्टार गोलाबारी के साथ कस्बों और गांवों को निशाना बनाया है, फ्रंटलाइन पर बढ़त बनाई है। जंग में यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों को फिर से हड़प लिया है। बहरहाल सर्गेई शोइगु को भले ही रक्षा मंत्री पद से हटाया गया है, मगर तकनीकी रूप से शोइगु को उस पद की जिम्मेदारी दी गई है जो रक्षा मंत्रालय से बड़ी मानी जाती है। शोइगु रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गोरासिमोव और जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे।